देखिए, कल जो नहीं हम लोगों ने सीन किया था उसमें फर्स्ट टाइम मौली को पता चलता है कि नंदिनी नहीं है, और उस चीज़ को लेके मौली का ये था कि ऑब्वियसली मैं नंदिनी की तरफ काफ़ी हेट्रेड, और उस टाइम पे उसने उसका घर तोड़ा है, लेकिन मौली कभी भी ये नहीं चाहती थी कि नंदिनी नहीं रहे, तो वो उस चीज़ को लेके काफ़ी अपसेट थी। एंड अभी एक तरह से पूरा जो जितने भी उसको शो है वो उसको आंखों के सामने फ्लैश हो गया था। तो अब बाकी आगे कैसे मौली, मतलब होता ना कि कुछ चीज़ें गलत हुई हैं मौली के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ एंड ऑफ द डे लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। तो और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो शी वॉज रियली अपसेट अबाउट इट। ईशान का भी काफी मतलब एक अच्छा टेक रहा है कि वो अब बेटा बन के सारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी संभाल रहा है, बिल्कुल। लेकिन मिष्टी के भी एक के हाँ सपोर्ट में है। हाँ 101%। देखिए अभी फैमिली पूरी अपसेट है और सब घर में रो रहे थे इस चीज़ को लेके, और सबसे बड़ी बात है कि ईशान को ये नहीं पता कि क्या कि अभी थोड़ा सा इन लोगों ने जो ट्रीटमेंट वाइज या शो वाइज ये चीज़ है कि ईशान बिकॉज जिद्दा और जो जो मदर हैं उनका ये टेक है कि ईशान मौली को वो लोग बोलते हैं कि ईशान को हर चीज़ मत बता, मतलब होता है ना कि कहाँ जा रही है नंदिनी के लिए, हो सकता है कि वो कुणाल के अगेंस्ट वो एंटी हो, मतलब इन सेंस कुणाल वो लाइक ना करे और कुणाल के ऊपर वो भड़का हुआ है अभी, तो उस चीज़ को लेके हो सकता है आगे कन्फ्यूजन्स हुए हैं उस चीज़ को है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ईशान का कैरेक्टर अभी तक यही चीज़ है कि वो कभी भी सेंसिबली, हाँ वो कुणाल से अपसेट है बिकॉज उसको अभी जस्ट पता चला कि हाँ उसने चीट किया, उसको अभी भी पूरी स्टोरी नहीं पता कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो आगे देखिए क्या होता है। लास्टली क्या कहना चाहेंगे, ये होल ट्रैक जो है अब काफी नया मोड़ लाने वाला है, हाँ इसके बारे में क्या कहना? देखिए टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि क्या आगे स्टोरी होने वाली है, बिकॉज अभी यहाँ पे हम लोगों को डे वाइज डे स्टोरी मिल रही है। वो अभी वो लोग भी क्रैक कर रहे हैं कि काफ़ी मतलब होता है ना कि कैसे इन तीनों की या क्या जो भी है इक्वेशन होगी, तो जब मुझे पता चलेगा तो मैं व्यूअर्स को भी बताऊंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।